नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के पंचायत भवन में आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री कर्ण देव ने की। आज की इस बैठक में कुल 27 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों पर जांच के आदेश दिए गए हैं। आगामी बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि इन शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। एजेंडे में रखी शिकायतों के अलावा अध्यक्ष ने जन सुनवाई के माध्यम से भी लोगों की शिकायतों का निपटारा किया। वहीं इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री कर्ण देव कंबोज ने कहा कि बैठक में अधिकतर शिकायतें पंचायत से संबंधित होने पर उन्हें हैरानी हुई है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में झगड़ा होना भाईचारे को बिगाड़ने वाली बात है। उन्होंने गाँव वासियों से अपील की है कि गाँव का भाईचारा बनाए रखें। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री द्वारा धारा 370 हटाए जाने के फैसले को एक सराहनीय कदम बताया और उन्होंने कहा कि धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में सफलता मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि इस माहौल के बाद भी इस दौरे के बाद हरियाणा में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि जब पत्रकारों से मुख्यमंत्री के रूस दौरे को लेकर के उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा विदेशी निवेश के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस समय विदेशी निवेश के लिए सिंगल विंडो कारगर साबित हो रहा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव लड़े जाने के संबंध में जब पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 75 इस बार 75 का नारा जरूर सफल होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा हरियाणा में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी। वहीं हरियाणा में उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा को किसी भी राजनीति की पार्टी से कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने जजपा और बसपा गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि नेतृत्व विहीन गठबंधन भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देश में पहले भी इस प्रकार के गठबंधन हुए थे, लेकिन भाजपा विजयी रथ कभी नहीं रुक पाया। जजपा और बसपा को एक सीट से अधिक सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा भी नहीं रह गया है, वह केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई भी दी। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि कल हमारा देश का एक बहुत बड़ा पर्व है स्वतंत्रता दिवस, मातृवा स्वतंत्रता दिवस, तो मैं आप सबके माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कल राखी का भी पर्व है, तो सभी बहनों को, भाइयों को मैं राखी पर्व की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ग्रीवेंसेज की मीटिंग में जो पहली बार सिरसा आने का मौका मिला और 27 कंप्लेंट्स जो है वो टोटल इस एजेंडे के अंदर रखी गई थी, मुझे बड़ा हैरानी हुई कि यहाँ आकर के सबसे ज़्यादा जो शिकायतें थी वो ग्राम पंचायतों की थी, सरपंचों के खिलाफ थी। यानी कि जिस प्रकार से गांव के अंदर भाईचारा होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए, तो मुझे उसमें यहाँ कुछ कमी लगी है और ये बड़ा शोचनीय विषय है, बड़ा ही जो है समाज के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि गांव के अंदर जाना सुख शांति रहे, सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ें, गांव का विकास करें। और जब गांव के अंदर इस प्रकार की कोई पार्टीबाजी होती है तो गांव का विकास भी नहीं होता, तो गांव के लोगों को पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके गाँव के विकास में आगे आना चाहिए, स्वच्छता में आगे आना चाहिए। और कोई सामाजिक समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं हैं, आपसी कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। बहुत यानी कि 27 समस्याएं सारे टोटल एजेंडे में थी, कुछ समस्याओं का समाधान भी निकला। ज़्यादातर समस्याएं जो है ना पानी से संबंधित और पंचायतों से संबंधित इस प्रकार की समस्याएं थी। एक दो समस्या जो उनसे अट करके थी उसमें भी हमने फैसले किए हैं और उनको निपटाने का काम किया। किसी एक दो में हमने जो है ना री इन्वेस्टिगेशन के आज जो है ना आदेश दिए हैं कि ताकि आने वाली ग्रेवेंसीज मीटिंग में उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है उनका निपटारा किया। अब की बार आप 75 पार की बात कर रहे हैं, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए 79 तो हम उसमें भी जीते हैं, और जिस प्रकार से उसके बाद एक बहुत बड़ा काम पूरे देश के अंदर हुआ, जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न अंग है, उसमें जो धारा 370 और 35A लगा करके उसको पूरे भारत से काटने का काम जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था, वो तोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक ऐसा काम करके दिखाया
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जमाने में किया था। आज पूरे देश की जनता जो है बड़ी खुश है, प्रदेश के अंदर जो है ना लोग बड़े उत्साह से बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने, अमित शाह जी की जोड़ी ने वो करके दिखाया, जिसकी सबको उम्मीद थी कि वो वाकई में अगर कोई कर सकता है तो केवल मात्र यही जोड़ी कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया। जो कहा था कुछ लोग तो इसको कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा है, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयोजन धारा 370 हटाई। अभी तो चुनाव हुए हुए हैं, चुनाव होने के एकदम बाद जिस प्रकार से ये सारे कलंक जो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, तो जम्मू कश्मीर भी कहीं ना कहीं उसका भी डेवलपमेंट का जो काम था वो रुका हुआ था, वहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था कायम है, पूरे देश के साथ जो है जम्मू कश्मीर का संबंध इस प्रकार से जैसे पूरे भारत में दूसरे स्टेटों का, तो धारा 370 तोड़ करके वहाँ जो एक बहुत बड़ा काम हमारी इस जोड़ी ने किया है, तो निश्चित रूप में अब की बार जो 75 पार का नारा है वो निश्चित रूप में पूरा होगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी के नेतृत्व में और पूरे बहुमत के साथ जो है सरकार। देखिए सीएम साहब इस बात को लेकर के शुरू से जब से मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल जी, वो शुरू से इस प्रकार का एफर्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरियाणा के अंदर जो है इन्वेस्टर को लेकर के आ जाए, क्योंकि इससे जो है ना रोजगार बढ़ता है, इससे हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, हमारे देश के हमारे प्रदेश के विकास में फर्क पड़ता है और उन्हें तो यहाँ तक कि जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अलग से कुछ जो है ना सुविधाएं भी देने का उनको आश्वासन दिया कि जो व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में इन्वेस्ट करेगा उसको हर प्रकार की सुविधा जो है यहाँ हरियाणा की सरकार यानी उनको उपलब्ध कराई, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे वो जगह उनको देने की बात हो, चाहे अन्य प्रकार का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी मदद करने की बात हो, और वन विंडो खोल करके ताकि उनको इधर उधर न जाना पड़े, तो इस प्रकार की जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी पहल हरियाणा के अंदर की। देखिए अभी तो आप जजपा और बसपा की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में बात कई बार चली है कि महागठबंधन होगा, महागठबंधन बीजेपी के विजयरथ का पहिया नहीं रोक पाया, तो फिर ये छोटे छोटे जो दो दल हैं छोटे छोटे, मैं तो कहूँगा दल भी नहीं है, दल तो होता है जिनमें के नेतृत्व होता है, नेतृत्वहीन जो दोनों दल हैं उनका गठबंधन होना कोई मायने नहीं रखता है राजनीति में, 0+0 शून्य ही होता है, बराबर शून्य है, तो इस प्रकार की जो उनके पास एक भी सीट उनको मिलने वाली नहीं है, पूरे हरियाणा में उनकी सभी जगह जमानते जब्त होंगे, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है, इस समय विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है, ना देश के लिए ना प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, ये तो आपस में सिर्फ अपनी पार्टी में इनके नेता जो है ना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्यथा इनके पास जो है ना कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ इनके पास जो है कोई ऐसा बात करने का कि जिससे जो है ना लोगों में बात लेकर के जा सके, तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना की बार पूर्ण बहुमत से और दो तिहाई बहुमत लेकर के फिर से हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी।